हमारा चैप्टर थर्ड है जो वो है परम निथानम क, जिसका मतलब होता है ग्रेट ट्रेजर, यानी कि बहुत बड़ा खजाना। तो खजाना इंसान के पास सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पर खजाने का मतलब वो नहीं बताया गया है कि सोना चांदी धन दौलत हीरे मोती। खजाना जिसको हम बोलते हैं द ट्रू नॉलेज, जो ज्ञान है वही हमारा खजाना है। तो ऐसे ही एक राजा की कहानी है ये। उस राजा का नाम है राजा भोज, जो कि धारा के राजा थे, धारापुरी के राजा थे, और वो कला के बहुत बड़े प्रेमी थे। यानी कि उनको बहुत अच्छा लगता था जब उनके सामने विद्वान लोग आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, ज्ञानी मनुष्य आते थे, तो उनको बहुत ही खुशी होती थी। और एक दिन वो अपने राज्य के महल के जो अंदर विंडो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि रस्ते में एक यंग मैन, एक जवान लड़का, जो कि उनके गाँव का नहीं लग रहा था, उनके शहर का, उनके राज्य का नहीं लग रहा था, वो वहाँ से गुजर रहा था। और राजा जो थे उन्होंने देखा तो पाया कि ये लड़का उनके गांव का नहीं लग रहा है, यानी कि उनके राज्य का नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको अंदर बुलाया और उन्होंने इससे पूछा, तुम कौन हो? तो उस यंग मैन ने, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं घट पंडित हूँ। घट पंडित ये कौन होता है? तो राजा ने पूछा, घट पंडित कौन होता है? तो उसने जवाब दिया कि घट पंडित, जिस प्रकार से एक मटका जो है वो पूरा पानी से भरा होता है और उससे पानी छलकता है, बाहर गिरता है, उसी प्रकार घट पंडित मतलब मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ और मेरे अंदर से ज्ञान छलक छलक कर गिर रहा है। ये बात सुनते ही राजा जो थे उन्होंने कहा कि अगर तुम ज्ञान से भरा मटका हो तो मैं एक हथौड़ा हूँ जो उस मटके को एक ही बार में तोड़ सकता है। अब वो जो लड़का था उसने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि अगर तुम हथौड़ा हो तो मैं आग हूँ जो उस हथौड़े को पिघला के नष्ट कर सकता। तो राजा ने कहा, अगर तुम आग हो तो मैं बारिश हूँ, और क्योंकि बारिश के सामने कोई भी आग नहीं टिक सकती है। अब वो लड़के की बारी, लड़का बोलता है, अगर तुम बारिश हो तो मैं पवन बन जाऊँगा, तेज चलती हुई हवा बन जाऊँगा और बारिश को इधर उधर भटका भटका के मैं भगा दूंगा यहाँ से। और वो राजा भोज जो थे, राजा का नाम था भोज, तो राजा बोलते हैं, अगर तुम हवा बनोगे, विंड बनोगे, तो मैं वो सांप बन जाऊँगा, सर्प बन जाऊँगा जो कि विंड को, यानी कि हवा को खाता है। पुराने सीरियल्स में देखा ना, सांप होते हैं बड़े बड़े, वो हवा को से छोड़ते हैं, आग निकालते हैं, हवा को सारा चूस लेते हैं, तो बोलते हैं कि मैं उस प्रकार का एक सांप बन जाऊंगा जो पूरी हवा को खा जाऊंगा। अब यंग मैन की बारी थी, तो यंग मैन बोलता है कि अगर तुम सांप बनोगे तो मैं चील बन जाऊंगा, जो कि सांप, चील को पता है चील सांप को खा जाती है। तो अब वो बोलता है कि मैं चील बनकर तुमको खा जाऊंगा। अब राजा भोज की बारी, वो बोलते हैं कि अगर तुम चील बनोगे तो मैं विष्णु बन जाऊंगा, क्योंकि विष्णु का वाहन होता है चील, वो चील के ऊपर सवारी करते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किसके ऊपर है। वो उसको अपने ऊपर बताता है तो दूसरा उसको अपने ऊपर, तो इस प्रकार से वो बोलता है कि मैं विष्णु बन जाऊंगा तो ऑब्वियसली तुम चील बनोगे तो मैं तो तुम्हारे ऊपर रहूंगा। तो इस पर यंग मैन जो है वो बोलता है कि अगर तुम विष्णु बनोगे तो मैं विष्णु के सर पे सजने वाला ताज बनूंगा और इस प्रकार मैं तुम्हारे सर पे रहूंगा, ताज तो हमेशा सर पे ही रहता है। अब राजा की बारी, राजा बोलते हैं कि अगर तुम क्राउन यानी कि ताज बनोगे तो मैं उस पर लगने वाले फूल बन जाऊंगा। ताज के ऊपर, मुकुट के ऊपर फूल भी तो लगते हैं कई बार, तो मैं वो फूल बनूंगा जो मुकुट के ऊपर रहता है, यानी कि मैं तुमसे ऊपर हो गया। इस पर यंग मैन की बारी है, यंग मैन बोलता है अगर तुम फूल बनोगे तो मैं मधुमक्खी बन जाऊंगा, बी, क्योंकि मधुमक्खी फूल के ऊपर रहती है, यानी कि मैं फिर तुम्हारे ऊपर हो गया। इस पर राजा बोलते हैं अगर तुम बी बनोगे तो मैं सूरज बन जाऊंगा, सूर्य बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सूरज के डूबते ही वो बंद हो जाते हैं और सूरज के उगते ही वो खिल जाते हैं। तो इस प्रकार मक्खी यानी कि मधुमक्खी को अंदर ही ट्रैप कर लूंगा, उसको कैद कर लूंगा। तो अगर तुम मधुमक्खी बनोगे तो मैं सूरज बन के तुमको अंदर कैद कर लूंगा। यंग मैन बोलते हैं कि अगर तुम सूरज बनोगे, आपने सुना होगा ना राहु केतु, तो राहु जो कि सूर्य को खा गया था, वो बोलता है यंग मैन कि अगर तुम सूरज बनोगे तो मैं स्ट्रांग पावरफुल राहु बन जाऊंगा जो सूरज को निगल गया था। राजा भोज कहते हैं, पता है हमारी कुंडली में राहु दोष होता है, तो उसके लिए हमारे पंडित जी बोलते हैं दान दक्षिणा करो तो राहु का प्रभाव छूट जाएगा, चले जाएगा राहु आपके कुंडली में से चला जाएगा। तो वही बात होती है यहाँ पर, भोज कहते हैं कि अगर तुम राहु बनोगे तो मैं दान दक्षिणा करूंगा और तुम्हें हरा दूंगा, यानी कि फिर से तुमसे ऊपर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि राहु चला जाएगा जब दक्षिणा होगी, दक्षिणा करने देने के बाद, दान करने के बाद, पुण्य करने के बाद, फिर राहु का प्रकोप नहीं रहता है। इस पर वो यंग मैन बोलता है कि जब तुम दान करोगे तो इस तरह तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि दान करने से क्या होता है, राहु संतुष्ट हो जाता है, फिर वो हमें परेशान
नहीं करता है। लेकिन एंगमैन कहता है कि अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जो चैरिटी, चैरिटी मतलब जो तुम दान करोगे उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अगर राहु रहूंगा तो तुम्हें चैरिटी का फल नहीं मिलने दूंगा। और इस प्रकार से जो तुम्हारा पैसा है जो तुम दोगे दान में, यानी कि वो राहु को चढ़ाया जाता है ना एक तरह से उनको संतुष्ट कर, बोले वो तो मैं लूंगा ही नहीं तुमसे, लेकिन मैं ऐसा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और जब ये बात आती है कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो यहीं पर हर एक आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि एट द एंड हमारी बात कहाँ खत्म होती है, संतुष्टि पे। कोई व्यक्ति इतना कमाकर संतुष्ट है, कोई इतना कमाकर संतुष्ट है, और कोई कितना भी कमाकर संतुष्ट नहीं है, तो बात कहाँ पर खत्म होती है, सारी संतुष्टि पे, कि आप सेटिस्फाइड कहाँ होते हो, तो सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो लड़का बोलता है कि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस बात के आगे उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, और राजा जो थे वो फाइनली उसके सामने झुककर उसको सलाम करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये धारा नगरी है और यहाँ पर तुम जैसे विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजडम, यानी कि जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो स्किलफुल लोग होते हैं, वाइज पीपल होते हैं, उनका मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ, और तुम मुझसे जीत गए हो। और याद रखना, एक व्यक्ति जो संतुष्ट है उसको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि संतुष्ट रहना ये अपने आप में खजाना है, संतुष्टता भी एक खजाना है। तो अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है तो उसको कोई दूसरा हरा नहीं सकता है। तो यही था इस चैप्टर का मीनिंग।